नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आईसीसी के आगामी T20 विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान करने के साथ ही क्रिकेट फैंस 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए उत्साहित हो गए हैं। विश्व कप के इतिहास को देखें तो पाक टीम आज तक भारत को नहीं हरा पाई है। हालांकि टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम का मानना है कि जब उनकी टीम विश्व कप मुकाबले में भारत से भिड़ेगी तो ज़्यादा दबाव प्रतिद्वंदी टीम पर ही होगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का मानना है कि जब उनकी टीम 24 अक्टूबर को T20 विश्व कप मुकाबले में भारत से भिड़ेगी तो ज़्यादा दबाव प्रतिद्वंदी टीम भारत पर ही होगा। बाबर आजम ने कहा, 2021 T20 विश्व कप मैच में हमारी तुलना में भारतीय टीम ज़्यादा दबाव में होगी। T20 वर्ल्ड कप में हम अपना अभियान भारत को हराकर शुरू करना चाहेंगे। बता दें कि अभी तक पाकिस्तान टीम किसी भी विश्व कप में भारत को नहीं हरा सकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जारी ड्रॉ के अनुसार भारत और पाकिस्तान दुबई में विश्व कप के ग्रुप चरण में एक दूसरे से भिड़ेंगे। दोनों टीमों ने विश्व कप 2019 के बाद से एक दूसरे के खिलाफ कोई भी क्रिकेट नहीं खेला है। इस भिड़ंत में भी भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया था, बल्कि ICC प्रतियोगिताओं में भारत का पलड़ा भारी रहा है और 50 ओवर के विश्व कप में उसे पाकिस्तान से हार का सामना नहीं करना पड़ा है। बाबर ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में खेलना उनके लिए घर पर खेलने जैसा ही होगा। उन्होंने कहा, यह हमारे घरेलू मैदान की तरह ही है। जब हम संयुक्त अरब अमीरात के मैदानों पर खेलते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है और इसके साथ ही अपना 100% देना चाहेंगे। फिलहाल प्रे खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।